नमस्कार। कोरोना काल के बाद एक आम जीवन जो है वो बड़ा टिपिकल सा महसूस हो रहा है, और इसी के चलते शहर में रहने वाले लोग या फिर मकानों में रहने वाले लोग अपने आप को खेतों की ओर मोड़ रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमें हर शहर में देखने को मिलेंगे। आप अगर अपने शहर के आसपास देखें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट खेतों में नजर आएंगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है। हमारे साथ एक व्यक्ति है जो कि प्रिंसिपल से रिटायर हुए और उसके बाद अपने जीवन को इन्होंने खेती की ओर मोड़ा, और यहाँ एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट लगाते हुए यानी एक मॉडल बनाते हुए जिसमें रहने का ग्रामीण लुक और आज का मॉडर्नाइजेशन वाला हिस्सा दोनों को मिलाते हुए इन्होंने ऐसा एक सुंदर स्थान बनाया है। और वो स्थान ऐसा होता है, देखिए जीवन है नकारात्मकता और सकारात्मकता का। अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर है तो हम जीवन को नकारात्मक जिएंगे, अगर सकारात्मकता है तो हमारा जो आनंद है जीवन का वो अलग ही होगा। और ये सकारात्मकता हमारे रहने के माहौल से बनती है। माहौल कैसा हो ये एक मॉडल होता है, और ऐसे ही एक मॉडल में हम आपको लेकर आए हैं। हमारे साथ मोहन जी त्रिवेदी हैं, आप जो हैं प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, और आज इनका घर देखने के लिए हम आए, और बड़ा ही सुंदर घर यानी एक ही छत के नीचे पूरा यानी टिन सेट के नीचे पूरा घर जो है वो बनाया गया है। ये कॉन्सेप्ट हम शुरू से इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने भी हमारे त्रिनेत्र योग धाम पर इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, और यहाँ भी जो देखने को मिला बड़ा सुंदर ऐसा घर, मतलब आप अगर अपने घर पे या खेत में ऐसा घर बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो त्रिवेदी जी से हम परिचय लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप यहाँ पर पधारे इसके लिए आपका स्वागत है जी। हमारा ये त्रिवेदी फार्म हाउस अभी जो बन करके तैयार हुआ है उसमें एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये 17-18 बीघा जगह ली है जी। इसमें जैसे आपने आते ही कितने साल कितने महीने हो गए लिए हुए? मैंने नवंबर में लिया था। अच्छा, फिर तो सब साल भी नहीं हुआ। हाँ, एक साल पूरा नहीं हुआ, अभी तो 4-6 महीने हुए हैं जी। और उसी में सबसे पहले मैंने सोचा कि एक रेजिडेंस की व्यवस्था अच्छी सी कर ली जाए। हाँ, क्योंकि अब उम्र के इस पड़ाव में प्राकृतिक वातावरण में जीना चाहते थे। सही बात है। तो शुद्ध हवा मिले, शुद्ध खाना मिले, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया, अपने दिमाग से बनाया कि अपना ऐसा एक सुंदर सा एक मकान यहाँ पर फार्म हाउस में बनाते हैं जी। तो वो आपके सामने तो आप दिखाते हैं। देखिए सुंदरता जो है वो बाहर से ही नजर आती है कि जो ईंट है इनके अंदर जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उसपे कलर दिया गया है। क्या है ये, किस कॉन्सेप्ट में है सर बताइए? ये कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें सीलन नहीं आती है। हाँ, जो अपन शिकायत आती है क्योंकि इसमें से हवा पास हो जाती है। तो हवा पास हो जाएगी तो सीलन नहीं आएगी, सीलन नहीं आएगी तो वो जिसको अपन लेदरी बोलते हैं वो सुंदरता रहेगी वो नहीं होगी, और एक अलग से गेट पाएगा सुंदरता। और देखिए अंदर जो है ब्लॉक्स में इसमें जो बीच में जो दरार है ब्लॉक्स की, इन ब्लॉक्स में पहले जो चिनाई की जो सीमेंट बजरी थी उसको हटा दिया गया। हाँ। और हटाने के बाद उसमें केवल सीमेंट लेकर के उसको चिकना किया गया। हाँ। उसके बाद उसमें कलरिंग किया, कलर किया गया। तो ये देखिए रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन जो है ये हमें नजर आया। और इसकी छत की बात करें तो थोड़ा सा मैं इधर दिखाता हूँ आपको। अगर छत की बात करें तो टिन सेट से पूरा जो है दोनों तरफ ढलान देते हुए एक ही टिन सेट में पूरे घर को बनाया गया है, और इसी के नीचे पूरा घर है वो हम आपको अंदर से दिखाएंगे। तो ये बाहर की लुकिंग आप देखिए कि किस प्रकार की सुंदरता जो है वो इस घर को दी गई है। परंपरा में हमारे बंधनवार से स्वागत द्वार होता है, और उसी स्वागत को करते हुए जब हम अंदर एंटर करते हैं तो वही पौराणिक रूप जो है जो कुटिया का हुआ करता था वो कुटिया का रूप हमें देखने को मिला। अंदर देखिए जो ये कुछ मॉडल होते हैं जो सक्सेस होते हैं उन्हीं मॉडल्स पे हमें काम करना चाहिए। जो आंगन होता है वहां पर हम पहले जो है वो गोबर का जो लेप करते थे वो लेप इतना सक्सेस नहीं था, क्योंकि अब आज तो फिर भी क्या है लोहे का काम हो गया तो उससे टूटने का डर रहता है। तो नीचे सीमेंट का जो आंगन है वो लगाया गया है। साइड की दीवार जो है वो गोबर से है। कैसे ये बना वैसे हम त्रिवेदी जी से पूछते हैं, अब बताइए अंदर का परिचय क्या है? देखिए गौशाला से गोबर और ये काली जो मिट्टी आती है उसको मंगवाया गया, और मिस्त्री से ही जो अपने कंस्ट्रक्शन के मिस्त्री होते हैं उन्हीं से करनी से और से वो फट्टी से लिपाई से, और ताकि एक लेवलिंग सेम रहे जी। पुराने समय में ये काम औरतें करती थी और
हाथों से करती थी तो वो उबड़ खाबड़ दिखती थी। तो ये प्लेन बनाने के लिए उनसे मिस्त्री से ये काम करवाया गया और कॉन्सेप्ट तो उसका आप और हम सब समझते हैं कि गोबर और मिट्टी का लेव ही क्यों करवाया जी, तो पॉजिटिविटी बनती है, स्वास्थ्य के लिए भी है, पॉजिटिविटी भी होती है, ठंड के लिए भी होता है। और देखिए इतना बड़ा होल होते हुए आवाज जो है गूंजती नहीं है, तो ये साउंड प्रूफ इको प्रूफ, इतना बड़ा होल होता है तो इको प्रूफ होना बड़ा मुश्किल होता है, ये इको प्रूफ है। और साइड में आप ऊपर साथ में देखें मूल जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, जिस पे मैं 15 साल से खुद भी काम कर रहा हूं कि टिन सेट के नीचे आप जो हमारे सरकंडे हैं उन सरकंडों को लगाएं जो हमारे खेतों में होते हैं, उनको लगाने से आप देखेंगे कि ऊपर की जो गर्मी है और सर्दी है वो हमारे इस क्षेत्र में बिल्कुल प्रभाव नहीं करेगी। दूसरा जो गोबर का यहाँ पर लेव लगा है ये भी तापमान को जो है कंट्रोल करता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो ये एक मॉडल है जो हम हमारे खेत में या हमारे घर पर अगर कोई ऐसा रूप देना हो और जिसकी सुंदरता हमें बनानी हो तो ऐसा ये मॉडल बनाया जा सकता है। इस ये कितने बाई कितने का है सर, और लगभग खर्चा जो है इसका क्या पड़ा है? ये जो होल दिख रहा है ये 25 फीट बाई 25 फीट का है। अच्छा, 25 25। और इसी के ऊपर टिन सेट के अंदर ही इसमें लेट बाथ है, रूम है, किचन है, ये सभी एक साइड में किचन रूम लेट बाथ दे दिया। तो आप रूम देखिए, रूम इसी से जो है जुड़ा हुआ है, इसी टिन सेट के नीचे है, इसी का जो अंदर रूप है वो जो छत है वो टिन सेट के नीचे सरकंडे लगाए हैं और अंदर जो है वही गोबर का लेव है। और ये सुंदरता जो है ये अपने आप आपको वो ग्रामीण लुक जो देगी और यहाँ जो सोकर बैठकर जो पॉजिटिविटी आती है वो पॉजिटिविटी आपको आम तौर पर हमारे सीमेंट बजरी के जो घर हैं और जो लेंटर वाली छत के घर हैं उनमें नहीं मिल सकती। तो ये अटैच लेट बाथ भी इसमें है। इस प्रकार का मॉडल आप अपने घर पे अपने खेत में बना सकते हैं। ये दिखाने का कारण जो है वो यही था, ये पानी की टंकी भी अंदर रखने का एक कारण। अच्छा, अंदर अंदर पानी की टंकी है, नीचे ये लेट बाथ है और अंदर पानी की टंकी है जिससे ये पानी गर्म नहीं हो। तो ये एक ही टिन सेट के यानी एक ही छत के नीचे पूरा घर वो हम आपको दिखा रहे हैं। और छत कौन सी? टिन सेट वाली। दीवारें जो है वो सीमेंट की है, ईंट मजरी की है और उसके ऊपर गोबर का लेव है। ये टोटल खर्चा इसकी कॉस्टिंग लगभग क्या रही, कितने बाई कितने का रहा था? 35 फीट लंबाई, 35 फीट चौड़ाई में लगभग ये मकान। अच्छा, बना हुआ। तो इसका एस्टिमेट तो अभी निकाला नहीं मैंने, लेकिन वैसे 4 से 5 लाख के बीच इसका एस्टिमेट टोटल आया है। 4 से 5 लाख के कंस्ट्रक्शन एंड मेटेरियल विद। जी जी जी। तो ये लगभग मानो कि 1100-1200 स्क्वायर फीट की जगह हो गई। हाँ, 1100-1200 स्क्वायर फीट। और हमारी कॉस्टिंग जो अगर कंस्ट्रक्शन में मानते हैं तो 1000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा जो है मोटा मोटी मानते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 से 5 लाख यानी आधा खर्चे में ये काम हुआ है और सुंदरता और रहने का जो आनंद है वो इस जगह का है। तो आपको और भी विजिट करवाते हैं। यहीं पर देखिए जो रसोई है वो इसी में से निकाली हुई है, यहीं से रसोई बनी है। पुराने कॉन्सेप्ट में अलमारी जो है वो भी आपको लकड़ी की नजर आएगी, यानी वो जो लुक है वो आपको पुराना और उसके साथ मॉडर्नाइजेशन जो है वो दिखेगा। जो रसोई है वो भी उसी तरीके की बनाई गई है। ये लकड़ी का जो फायदा है वो ये है कि इसमें सब्जियां खराब नहीं होती, अगर आप किसी भी चीज को रखते हैं तो ये आधे फ्रिज का काम करता है। लकड़ी जो है वो तापमान की कुचालक होती है और फंगस जो है एंटी फंगल होती है, तो यहाँ पर जो भी सामान रखा जाता है उसमें फंगस बहुत देर से लगती है। लकड़ी जो है वैसे बहुत लाभकारी है। ऊपर भी आप देखिए सरकंडों से ही जो है छत बनाई गई है। तो ये रसोई जो है ये रसोई का कॉन्सेप्ट है। एक साइड में आपको घड़े दिखेंगे, हांडी दिखेगी, यानी ये एक पूरा एक लुक है, एक मतलब एक आनंद है जीवन का, जिसको आज के दिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम ऐसे घर में रहें जो कि एक कुटिया के रूप में हो, एक सुंदरता लिए हुए हो। और यहाँ से बाहर जो है देखिए पुराने टाइप का कुआं जो है वो भी हमें नजर आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये, हालांकि आजकल ऐसे कुएं बनने बड़े मुश्किल है, और ये जो सुंदरता है ये कुएं की अपने आप ही होती है। कुएं के पास ही स्विमिंग पूल जो है वो बनाया गया है। देखिए स्विमिंग पूल, वैसे क्या साइज का है स्विमिंग पूल आपका? ये 25 फीट बाई 12 फीट का, 25 बाई 12 का स्विमिंग पूल है और इसको ऊपर से कवर किया गया है। और ये मतलब एक फैमिली एक परिवार के लिए जो है बहुत शानदार चीज है। इसको बुलाए मैक्सी।
ग्रामीण कुटिया में जब चूल्हा नहीं हो, हारा नहीं हो, लकड़ी नहीं हो, तो वो पूर्णता नहीं आ पाती। तो यहाँ पर आपको चूल्हा मिलेगा, हारा मिलेगा, यानी ये पूरा कॉन्सेप्ट है ग्रामीण। और इस कॉन्सेप्ट में कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं यहाँ पर रहूँ। तो भाई साहब, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने बनाया है, क्या अब इसका रिजल्ट दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है, ये बताइए। नहीं, बहुत ही मन को सुकून मिलता है। और ग्रामीण परिवेश और हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, वो परंपराएं किसी न किसी उद्देश्य को लेके थी कि इससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी से अपनी मेहनत होती रहेगी, इस प्रकार के ये जो विचारधाराएं पुरानी थी, उन सब पुरानी विचारधाराओं को अब वापस सजीव देखते हुए या करते हुए बहुत ही आनंद महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो आपका ये मॉडल जो है, मुझे ऐसे लगता है एक सक्सेस मॉडल है। हमारे फार्म हाउस या खेत पर बनाना चाहें तो इस प्रकार का मॉडल बन सकता है। और ये लगभग मान के चलिए 10-1 लाख रुपए के बीच का मामला हो सकता है। कोई भी व्यक्ति घर से जब चलता है और खेत में जाना होता है तो 8-10 लाख रुपए का बजट लेकर चलता है। अगर इससे कम कॉन्सेप्ट भी हो, अगर इससे कम बजट भी हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इससे आधा बन सकता है, इससे आधा स्विमिंग पूल बन सकता है। स्विमिंग पूल नहीं भी बनाए तो 5-6 लाख रुपए का शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल ये खर्चा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो खेत की हैं। इसमें सरकंडे जो है वो खेत के काम आ सकते हैं, लकड़ियां खेत की काम आ सकती है, बहुत सारी चीजें जो खेत का है, गोबर जो है वो खुद की गाय का हो सकता है। तो ऐसी कॉस्टिंग जो है कम करते हुए हम लोग हमारे खेत में ऐसा मॉडल बना सकते हैं। तो ये एक पूरा परिसर जो है हमने आपको दिखाया है, और ये कुटिया जो है इसको कुटिया ही कहेंगे, और इसी प्रकार के कुटीर जो है, कुटिया जो है, वो लोग अब अपने खेतों में बना रहे हैं, अपने फार्म हाउस में बना रहे हैं। आप भी बनाइए, ऐसा मॉडल हम आप तक लेकर आए हैं। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अपने खेतों को मजबूत बनाइए, अपनी खेती को मजबूत बनाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, ऐसी अपेक्षा करते हुए भाई साहब आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब दीजिए मुझे इजाजत डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। नमस्कार।